हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे पास बजाज की डिस्कवर बाइक है, 100 सीसी बाइक है, ये DTSI बाइक है ये। तो आज की वीडियो में इसका माइलेज सेट करना बताएंगे। सबसे पहले इसका माइलेज चेक कर लेते हैं कि ये बाइक कितने का माइलेज दे रही है। तो माइलेज चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसका प्लग खोलना पड़ेगा। तो ये खोल लिया हमने इसका स्पार्क प्लग। तो कंडीशन देख रहे होंगे प्लग की, तो ये माइलेज बता रहा है कि 40 का या 35 का माइलेज दे रही है बाइक। तो ये स्पार्क प्लग हम दोबारा वापस लगा देते हैं इसमें और इसका माइलेज सेट करना बताएंगे। तो स्पार्क प्लग हमने लगा के फिट कर दिया है, अब आपको इसका माइलेज सेट करना बताएंगे। माइलेज सेट करने के लिए तो एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए आपके पास। तो कार्बोरेटर में दो स्क्रू दिखाई देते हैं। तो ये स्क्रू का काम है रेस को ज़्यादा करना, कम करना, स्लो सेट करना। और ये वाला स्क्रू दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये मिक्सचर स्क्रू है। तो मिक्सचर स्क्रू का काम होता है कि माइलेज को सेट करना। तो इससे माइलेज सेट होता है और इससे स्लो सेट होती है। तो सबसे पहले बाइक को स्टार्ट कर लेना है, फिर इसका माइलेज सेट करना बताएंगे। तो बाइक करते हैं हम पहले स्टार्ट। तो बाइक हो चुकी है स्टार्ट और इसका माइलेज सेट करते हैं हम। तो सबसे पहले स्लो को बढ़ाना है, इसकी RPM बढ़ाना है इस तरीके से। तो इतने RPM रखना है इसके हमें। और ये मिक्सर स्क्रू पहले टाइट करना है इस तरीके से। तो ये टाइट हो चुका है और इसकी ढाई चूड़ी खोल देना है इस तरीके से। और ये ढाई चूड़ी खुल जाएगी तो ये स्क्रू इसके बराबर में आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ रखना होता है हमें और स्लो को साइड कर देना है, इसकी थोड़ी कम करना है स्लो, ताकि ये बंद भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। तो देख रहे होंगे बिल्कुल स्लो है, गाड़ी बंद भी नहीं हो रही है और माइलेज सेट कर दिया हमने। तो इस तरीके से माइलेज सेट होता है बाइक का। तो आपकी भी बाइक अगर माइलेज देने की समस्या कर रही है तो इस तरीके से माइलेज सेट करते हैं बाइक का। तो इस तरह से आप अपनी बाइक का घर पे ही माइलेज सेट कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।